ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट ज्वाइन द लेक्चर। बाकी स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आउट ऑफ 100 मार्क्स अराउंड 25 मार्क्स इस यूनिट से आएगा। और किसी तरीके का कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बार बार मैं अवेयर कर रहा हूँ कि रिटेन में एग्जामिनेशन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और रिटेन में अगर एग्जाम हुआ ना और आप लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, 90% लड़के फेल होंगे, 90% लड़के फेल होंगे। इसलिए अगर लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ अगर रिटेन एग्जाम हुआ जो कि काफी परसेंट ज्यादा परसेंट तेज है होने के लिए, और ये आप लोगों की अटेंडेंस क्या है, ये कितनी अटेंडेंस है? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3। टोटल 10 स्टूडेंट इज प्रेजेंट। बाकी लोगों का कोई वो नहीं, नहीं? बाकी में मैं जल्दी से ज्वाइन हुई है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में क्या देखा हमने कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम क्यों बनता है, ताकि हम बहुत ही इजी वे में जो भी
बेंडिंग मोमेंट्स या फिर शियर फोर्स है बीम पे, उसको रिप्रेजेंट कर सके ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर पर्टिकुलर स्केल पे ग्राफ ड्रॉ करके आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो शियर फोर्स SFD एंड BMD, SFD मीन शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द स्टैंडर्ड केस, ठीक है। कितने डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट आर कॉन्ट्रैक्ट लोड एट अ फ्री बीम, फ्री एंड मतलब आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो एक पॉइंट लोड लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम में जो कि फ्री एंड पे है। सेकंड क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पैन। अब एक वर्ड आया यहाँ पे स्पैन, व्हाट इज द स्पैन, स्पैन इज द लेंथ ऑफ द बीम और एक्टिव लेंथ ऑफ द बीम। जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे भी हमको एनालिसिस के लिए बीम का जो लेंथ यूज करते हैं उसको स्पैन बोलते हैं। ओके, थर्ड केस, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ओवर द इंटायर स्पैन, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सॉरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। नाउ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या होता है, ठीक है। अंडर अ पॉइंट लोड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, और एन एक्सटर्नल मोमेंट, ये आपके सिलेबस में है कि एक्सटर्नल मोमेंट कोई अप्लाई हो रहा है तो। ओवरहैंगिंग बीम, ये पूरा टॉपिक ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए आपको ओवरहैंगिंग बीम के बारे में भी मैं सम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, ओवरहैंगिंग बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट अ फ्री एंड, ओके ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैंटिलीवर बीम, अच्छा ओके, कैंटिलीवर बीम बोथ वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। तो यहाँ पे देखिए फिक्स एंड दिखाया गया है और बीम को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आपका सेक्शन पे डिस्कशन नहीं होगा कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आई सेक्शन, सी सेक्शन, यू सेक्शन, व्हाट एवर इज देयर, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, ठीक है। जस्ट आपका बीम है जो कि क्रॉस सेक्शन निग्लिजिबल है, मीन्स हम क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले अभी फिलहाल, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन होगा वो आपका फर्स्ट यूनिट जो है, जो कि अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक है, जिसमें हम मोमेंट की, ओनली मोमेंट की बात करेंगे, है ना। वहां पे सेक्शन इम्पोर्टेंट होगा। ओके ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको सम एग्जाम्पल्स हैं जो कि कैंटिलीवर बीम के हैं, रियलिस्टिक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम, पम्प एंड ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ये जो आपका पम्प एंड ब्रिज है, ये क्या होता है कि दिन में 2 से 3 बार ये ब्रिज बीच से ओपन होता है, बीच से ओपन होता है। जब भी क्या कहते हैं कि ये देखिए आपका जो शिप्स हैं वो पाथवे होती हैं, तो ये बीच से ओपन हो जाता है, और जब ये बीच से ओपन वाला पोर्शन रहता है यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। नेक्स्ट
ये देखिए, कार पार्किंग जो है आपका, कार पार्किंग जो सेट्स हैं, कार पार्किंग सेट्स हैं, ये देखिए कार पार्किंग सेट्स, यहाँ पे भी कैंटिलीवर बीम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि एक एंड आपका फिक्स है और अदर एंड आपके फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेट देखिए, ये आपका क्या है, बस स्टॉप एडर, ठीक है, जहां पे क्या कहते हैं कि बस स्टॉप, बस रुकती है और पैसेंजर को रिसीव करते हैं, वहां पे भी आप ऐसा कैंटिलीवर बीम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए आपका ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में भी क्या है कि आपका एक एंड फिक्स रहता है और अदर एंड पे लोड अप्लाई रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपके लाइट लगी हुई है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ठीक है, पर्टिकुलर बीम पे। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट, तो यहाँ पे ये देखिए कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। द अवेब ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर बीम, इट इज अ कैंटिलीवर बीम विद 3 पॉइंट लोड, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमको लोड भी बहुत इजी वे में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थ्री इंड पे डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 थ्री लोड लाइट, जो लाइट का वेट है वो एज अ लोड अप्लाई है। ओके, नेक्स्ट क्रेन का एग्जांपल देखिए, क्रेन भी एक बेस्ट एग्जांपल है कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेन देखिए, क्रेन में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और एक एंड पे क्रेन क्या है, लोड को लिफ्ट करती है ना। तो ये भी आपका कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। नेक्स्ट ये आप देखिए क्या है कि कैंटिलीवर बीम एक पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है और उस पे अगर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पे अभी आप देखिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, आर पे फिक्स है और एल डिस्टेंस पे पी लोड अप्लाई है, ठीक है ना। एंड पे देखिए पी लोड अप्लाई है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन वर्टिकली लगेगी। तो रिएक्शन क्या है कि ये जो पी लोड है वही आपका रिएक्शन आर, आर पे रिएक्ट करेगा, तो आपका जो पी है वो रिएक्शन के इक्वल होगा, मींस आर इक्वल टू पी। ओके, हम क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन के लिए एक्स से एक पर्टिकुलर सेक्शन डिसाइड करते हैं जो कि फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना होगा। तो अब मान लीजिए जो एक्स डिस्टेंस पे कितना मोमेंट होगा वो पी एक्स होगा। ओके, पी एक्स होगा यानी एम एक्स, एम रिप्रेजेंट करता है मोमेंट को और एक्स डिस्टेंस को कि किस डिस्टेंस पे हम मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी लोड है और एक्स डिस्टेंस है तो कितना मोमेंट हो जाएगा, पी एक्स, ठीक है ना। तो अब एम मैक्स कितना होगा, एम मैक्स कितना होगा, वो होगा आपका फिक्स एंड पे, तो फिक्स एंड पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो एल है तो पी इंटू एल, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस आर जनरेट इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब बात करेंगे शियर फोर्स की। अब शियर फोर्स देखिए, शियर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा मैक्स, ठीक है ना। तो जो डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है वो शियर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कितना है देखिए आपका, अब जब शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स जो फोर्स लग रहा है वही आपका शियर फोर्स होता है, मींस पी फ्री एंड पे और उतना ही आपका एक्स एंड पे। तो ये देखिए आपका जो ऊपर का डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम है जिसमें आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है ना, कि आपका जीरो से शुरू होकर के पी तक जाता है, फिर
वो पूरे स्पैन में जो शियर फोर्स है वो सेम है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए अभी क्या प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट जो है मैक्सिमम मोमेंट जो है वो कैसा हो रहा है। अभी आप एज्यूम करिए जो मैंने आपको हॉगिंग और सैगिंग दिखाया था, क्या दिखाया था, हॉगिंग एंड सैगिंग, ठीक है ना। तो ये आपका जब पी लोड वर्टिकली डाउन की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके, पी लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो आपका हॉगिंग क्रिएट होगा या सैगिंग क्रिएट होगा, डेफिनेटली हॉगिंग क्रिएट होगा, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है ना। और पी पे अगर पी पॉइंट पे ही हम मूवमेंट लेंगे तो क्या कि जो डिस्टेंस है वो पी से पी की डिस्टेंस जीरो ही रहेगी ना, तो वो वैल्यू जीरो होगी। इसलिए देखिए पी पॉइंट पे, ये राम, ओके, तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट पे, पी पॉइंट के नीचे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है, और आर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी पी इंटू एल, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर शेप गेन हुआ है। क्या गेन हुआ है, एक ट्रायंगुलर शेप गेन हुआ है, ओके। अब यहाँ का जो कैलकुलेशन है, सॉरी हियर व्हाट एवर द कैलकुलेशन इज हियर, पी एल स्क्वायर 3 ई आई, ठीक है ना। तो इसको आपको एक पर्टिकुलर फार्मूला है जिसमें आपको सारी वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो इससे आपको डेल्टा की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, डेल्टा मैक्स, ओके। नाउ ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, सॉरी दिस इज आल्सो फॉर द कैंटिलीवर बीम। और ये कैंटिलीवर बीम में क्या है कि आपका यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्या है, पिछला प्रॉब्लम क्या था, पिछला प्रॉब्लम जो था वो आपका क्या कहते हैं कि पॉइंट लोड के लिए था, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, यूनिट पर एरिया, यानी मीन्स न्यूटन पर एरिया। अब जब बात न्यूटन पर मीटर की होगी, न्यूटन पर मीटर की, तो फ्री एंड पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फ्री एंड पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों कि वहां पे 0 मीटर है, लेकिन आर एंड पे एल मीटर हो जाएगी, तो जो आर पे लोड लगेगा वो कितना लगेगा, डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ये आपका लोड है जो कि पर्टिकुलर बीम पे अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर बीम पे अप्लाई हो रहा है, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिवन वैल्यू आर रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डब्ल्यू एल होगा, ठीक है ना। अब जब हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे तो फ्री एंड पे वैल्यू कितनी होगी, जीरो, फ्री एंड पे वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब एक्स जो सेक्शन हमने डिफाइन किया है, एक्स जो सेक्शन हमने डिफाइन किया है उसमें क्या होगा कि अब चूंकि जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है, फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, अपवर्ड होगी। लेकिन जो सेक्शन हमने लिया है एक्स एक्स, देखिए एक्स एक्स हम देख रहे हैं, तो जब सेक्शन एक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो राइट हैंड में है, और राइट हैंड में साइन कन्वर्जन क्या देखा था, अभी आपको फिर से शो करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम।
ये देखिए, राइट हैंड पे अगर अपवर्ड है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और डाउनवर्ड होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अपवर्ड है तो निगेटिव होगा, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या है कि ये अपवर्ड है, अपवर्ड में क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू होगी, क्या होगी, निगेटिव वैल्यू। इसलिए आपको यहाँ पे जो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो सीएफओ डायग्राम आपको दिख रहा है वो 3 इंट पे 0 है, 6 इंट पे मैक्सिमम है, WL है, और यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप गेन हुआ है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जब हम जाएंगे, फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको रेक्टेंगल ही गेन होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपका जो थर्ड एज है, ठीक है ना, टू एज तो लीनियर रहेगी, लेकिन जो थर्ड एज है वो आपकी लीनियर ना हो करके पैराबोलिक होगी, लीनियर ना हो करके पैराबोलिक होगी। ओके, नाउ सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज वन दूज इन फ्रीली रेस्ट ऑन अ वॉल और कॉलम। इन ऑल सच केसेस द रिएक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड, ठीक है ना। रिएक्शन क्या है, ऑलवेज अपवर्ड रहती है। तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ एग्जाम्पल फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए ये एक सॉफ्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉफ्ट टू बियरिंग पे अटैच है, ठीक है। द एबव सॉफ्ट बी अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इन दैट सॉफ्ट बोथ एंड आर सपोर्टेड बाय अ बियरिंग एंड टू लोड आर गिवन बाय द पुली विच कुड बी टेकन एज अ पॉइंट लोड एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट शो की गई है जो कि बियरिंग में अटैच है, और दो पुली इन बिटवीन टू सपोर्ट्स है, ये पुली पे लोड अप्लाई किए गए हैं जो कि डाउनवर्ड लोड शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड 3 kg 3 kg का लोड है, और आपका जो लोड है का डिस्टेंस इंड से गिवेन है, ठीक है ना। तो अभी देखिए 0.75, 0.75, 1.5, ठीक है ना। तो पुली के बीच की डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, और इंड से इनकी डिस्टेंस 0.0, सॉरी 0.75 एंड 0.75। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बियरिंग से बियरिंग के बीच की, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बियरिंग, 8.75 प्लस 1.5 प्लस 0.75, सो विच इज इक्वल टू 3 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बियरिंग इज 3 मीटर। ओके, सो इन दैट बोथ ऑफ द इंड आर सपोर्टेड बाई द बियरिंग एंड टू लोड आर गिवेन बाई द पुली विच कुड बी टेकन एज अ पॉइंट लोड, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट लोड का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें देखिए, ठीक है ना, सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे क्या है टू सॉल्व द, कि आपका डाउनवर्ड जितने फोर्स लग रहे हैं सारे डाउनवर्ड फोर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि वन एक्सिस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। ओके, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन रहेगी वो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड ही रहेंगे, ठीक है।
अभी सेम ये सीक्वेंस देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जांपल ये हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम एक पॉइंट लोड पे है। तो जब हम पॉइंट लोड की बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो हम सेक्शन भी वहीं से डिसाइड कर लेते हैं जहां पे एक सिंगल पॉइंट लोड लगा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में अभी आपको कंट्रा फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लोड हम मानते हैं जो कि बीम के मिड पॉइंट पे अप्लाई है पी लोड का। तो अभी यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी, दो रिएक्शन होगी, एक ही लोड लग रहा है तो रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो P/2 P/2 हो जाएगी, ठीक है ना। रिएक्शन वन रिएक्शन टू R1 R2 या फिर पर्टिकुलर जो भी नाम दिया रहेगा एंड का ए बी, तो RA RB। जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने देखा कि अब जब हमने सेक्शन ले लिया, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड सेक्शन में जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और राइट हैंड में जो अपवर्ड फोर्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स डायग्राम आप देख रहे हैं, एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड निगेटिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव होगा और राइट हैंड पे निगेटिव होगा सेम वैल्यू के साथ, ओके। और शियर फोर्स डायग्राम हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिड पॉइंट पे ही लेंगे, तो मिड पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे ज्यादा होगा, P × L/2 R PL/2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैक्सिमम मोमेंट को डिफाइन करेगी और कॉर्नर पे, ठीक है ना, कॉर्नर पे क्या होगा कि हमने मिड पॉइंट के अबाउट ही जब मोमेंट ले रहे हैं तो वहां पे जब हम रिएक्शन पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसलिए एंड पे जो वैल्यू है वो आपको जीरो मिल रही है। ओके, एंड पे जो वैल्यू मिल रही है आपको वो जीरो मिल रही है। ठीक है, अभी सेम सिंपली सपोर्टेड बीम भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम कैसे होगा? डायग्राम इसलिए आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम इसलिए शो कर रहे हैं तो आपको आपको एक आइडिया आ जाए कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या फिर पॉइंट लोड है तो आपका डायग्राम कैसे शो होगा, किस तरीके से बनेगा, एक रफली आइडिया आपको आएगा। इसके लिए मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूं, ओके, ठीक है। तो यहां पे देखिए सेक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि जैसे एक्स डिस्टेंस पे हम सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस्ड ऑन दिस सेक्शन ही हमारा डायग्राम बहुत ही परफेक्ट ड्रॉ होगा, क्योंकि साइन कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपका साइन कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? साइन कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फॉर दिस आपका स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल ये होगा टोटल लोड, और रिएक्शन पे क्या हमको मिलेगा?
रिएक्शंस पे हमको क्या गेन होगा, रिएक्शंस पे हमको हो जाएगा WL/2 WL/2, ठीक है ना। ये देखिए WL/2 रिएक्शन पे हमको वर्टिकली रिएक्शन गेन हो रही है, वो WL/2 हो गई। ओके सिंपल। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट लेंगे, सेम, ठीक है। अब प्रीवियस जो पॉइंट लोड था तो हमको टू रेक्टेंगल्स मिले थे, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो आपको टू ट्रायंगल्स मिले, रेक्टेंगल के प्लेस पे टू ट्रायंगल्स मिले, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर शेप में ना हो करके हाइपरबोला शेप में आपको मिलेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का प्रॉब्लम है। ओके कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा, मिड पॉइंट से ही कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू लगभग वही रहेगी अगर हम सेम लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन डायग्राम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड पॉइंट लोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा तो क्या होगा, ये देखिए एक पॉइंट पे जीरो, दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमम लोड रहेगा। तो ये जब आपका मैक्सिमम लोड अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, कि R1 = V1 मीन्स रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 = V2। अब ये W/3 होगा और 2W/3 होगा, क्यों, क्योंकि इसका जब कोई ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मिड पॉइंट यही होता है, ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो उसकी हाइट को, वन बाई थ्री और 2/3 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जितना भी लोड है W, मान लीजिए टोटल लोड है W, वो एक एंड पे आपका कितना होगा, W/3 हो जाएगा, और दूसरे एंड पे क्या होगा, वो 2W/3 होगा। ओके और रिएक्शन VR = W/3 - W x² L² हम एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम सेक्शन की बात करते हैं तो फिर हमको ऐसा डायग्राम गेन होगा। इसमें भी आपको टू ट्रायंगल्स मिलेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड के अकॉर्डिंग जो तीसरा आपका साइज रहेगा वो लीनियर ना हो करके पैराबोलिक शेप में रहेगा, और इसमें भी आपको बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक शेप में रहेगा, लेकिन जो पीक पॉइंट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पिछला जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था वहां पे पीक पॉइंट जो था सेंटर में था, हाइपरबोलिक शेप था, यहाँ पे आपका पीक पॉइंट सेंटर में ना होकर के 2/3 शिफ्ट होगा, है ना, 2/3 शिफ्ट होगा और वहां पे आपको सेंटर गेन होगा। नाउ ओवरहैंगिंग बीम, तो यहां पे देखिए ओवरहैंगिंग बीम इज वन विच हैज लोडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, ठीक है ना। सपोर्ट के बगैर जो भी लोड अप्लाई होगा, तो यहां पे एग्जाम्पल देखिए ये कार, तो कार में आप व्हील देख रहे हैं, ये व्हील्स देखिए, तो जो व्हील से आगे भी पोर्शन है जो आपकी डिग्गी है और इंजन है, तो डिग्गी में क्या होता है, हम लोग लोड अप्लाई करते हैं ना, सामान रखते हैं, लोड रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिग्गी को सपोर्ट करता है, और ये जो डिग्गी है वो जो व्हील है, व्हील सपोर्ट है उसके
बाहर अप्लाई होता है, उसके आउटसाइड में अप्लाई होता है, इसलिए कार इज दी कार डिग्गी और कार बोनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पे कॉमन रिलेशनशिप है, अगर लोड पॉइंट लोड है तो देखिए कॉन्टिन्यूअस है और लीनियर है, मींस क्या होगा, शियर फोर्स में दो रेक्टेंगल गेन हो रहे हैं जब पॉइंट लोड है, और दो ट्रायंगल गेन हो रहे हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और टू पैराबोलिक शेप ट्रायंगल हो रहे हैं जो कि आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में है, ठीक है। मोमेंट में क्या डायग्राम बन रहा है, ये पूरा सिंपली सपोर्टेड के लिए है, ओके। तो लीनियर में क्या हो रहा है मोमेंट में, तो ये आपका लीनियर है, ये पैराबोलिक है, और ये आपका क्यूबिक है ना, क्यूबिक और कोनिक, ओके। नाउ अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। यहां पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पे बीम देखिए कि एक पर्टिकुलर बीम है, एक एंड पे सिंपली सपोर्टेड है, दूसरे पे रोलर सपोर्टेड है, और ये ओवर हैंगिंग भी है, तो दो कई तरीके के प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। और डिस्टेंस गिवन है, ए पॉइंट जिधर आपका सपोर्ट है, ओके, और बी पॉइंट जिधर आपका 12 किलो न्यूटन का फोर्स है, सी पॉइंट पे सपोर्ट है, और डी पॉइंट जिधर आपका 8 किलो न्यूटन का फोर्स है। रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, आर ए पे 7 किलो न्यूटन और आर सी पे 13 किलो न्यूटन, और सबका डिस्टेंस गिवेन है, व्हाट एवर द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड सपोर्ट आर गिवेन। नाउ हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द थिंग्स, यहां पे देखिए जिधर आपका 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वहां पे जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है, तो वहां पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल मिला, फिर सी सपोर्ट पे देखिए, सी सपोर्ट पे अगेन वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सी सपोर्ट पे जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, और 8 पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवर हैंगिंग होने की वजह से, जहां पे पॉइंट लोड की वजह से हमको 2 रेक्टेंगल मिलता था, यहाँ पे हमको 3 रेक्टेंगल मिला है, क्योंकि ये बीम ओवर हैंगिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो 12 पे लगेगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है ना, इधर उधर का कैलकुलेट करेंगे, 7 × 12 × 1 कितना हुआ, 12, और फिर इधर से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है ना, कितना सी पे कितना था वैल्यू, सी पे वैल्यू था 13, तो 13 × 3, तो 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39, ओके। तो 12 + 39, क्योंकि सॉरी 12 भी आपका माइनस में रहेगा और
39 भी माइनस में रहेगा क्योंकि ये हॉगिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हॉगिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हॉगिंग बन रहा है, ठीक है ना। और 8 × 4 तो ये कितना हो गया, 24। तो ये सबका कैलकुलेशन में से आपका कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन मीटर। ओके, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 + 3.4, तो यह गेन 0 होगा और यहाँ पे -8 आपको गेन हुआ, देन 0। तो ये डायग्राम आपका 0 हो जाएगा बोथ एंड पे। यहाँ पे हमको 3 0 फाइंड आउट हुए। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है हम नोटबुक पे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आज मेरे पास गैजेट्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता। ओके ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज, और कल आपका यूनिट टेस्ट 1 रहेगा जो कि यूनिट नंबर 3 पे डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन करिए, और हो सकता है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करूं सोम के लिए, ठीक है ना। सोम के लिए एक क्वेश्चन बैंक आपको मैं दूंगा, तो उस क्वेश्चन बैंक से ही आपका थर्ड यूनिट का जो है आप पढ़ के रखिए, तो उस क्वेश्चन बैंक से ही आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ओके ठीक है, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अभी आप लेक्चर लीव करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो यूनिट टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू। सर यूनिट टेस्ट की डेट क्या है? कल रहेगी, कल 19 को। टाइमिंग आपको शाम 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद पता चलेगी, लेकिन कल आपका अराउंड 2 या 3 यूनिट टेस्ट रहेंगे। एक मेरे सब्जेक्ट का रहेगा, एक आपका थर्मल इंजीनियरिंग का भी रह सकता है, और एमईएम का भी रह सकता है। एमईएम का भी चांसेस है कि आपका रहेगा, ठीक है ना। टाइमिंग आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, यानी सर सर इसके मार्क्स हाँ वो बोलिए। एमएसबीटी के एग्जाम में काउंट नहीं होने वाले ना? नहीं, एमएसबीटी के मार्क्स में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये आपके प्रोग्रेसिव में जरूर जाएंगे। ओके सर, ओके। हाँ, मतलब आपका जो प्रोग्रेसिव बनता है ना, सेशनल मार्क्स जो भी मिलते हैं आपको, किसमें किसमें ओके सर, सेशनल मार्क्स मिलते हैं आपको पता है ना, आपका क्या सर? माइक्रो प्रोजेक्ट, सेशनल मार्क्स आपका माइक्रो प्रोजेक्ट का रहता है ना, यस सर, तो माइक्रो प्रोजेक्ट के जो प्रैक्टिकली मार्क्स, हाँ माइक्रो प्रोजेक्ट के जो मार्क्स रहते हैं ना, वो आपके इस यूनिट टेस्ट पे अफेक्ट करेंगे। इसलिए सभी लोग अटेंड जरूर करिए, और सेकेंडरी चीज आपकी प्रैक्टिस भी होनी है। अगर मे बी ऑनलाइन हुआ आपका एग्जाम, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका जो क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2 है उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सर क्लास टेस्ट 1 कब क्योंकि मे बी 25 के बाद होगा, है? अक्टूबर आपका यस 10 दिन रह गया है। आज कितनी, 18 है ना, हाँ सर, 26 27 है आपकी डेट अराउंड। अभी फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है, लेकिन फाइनल हो सकती है ये डेट। फाइनल डेट आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी मंथ में होना है आपका क्लास टेस्ट 1, क्योंकि ओके ये सर। तीसरा तीसरा यूनिट स्टार्ट है ना। सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट आपकी फिनिश हो गई है, और उससे रिलेटेड जो पीपीटी है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन बैंक भी आपको ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।
सर हाँ बोलिए अनिकेत। हमें 6 यूनिट है ना सॉम में। हाँ टोटल 6 यूनिट है, लेकिन ये जो यूनिट है ना बेटा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काफी बड़ा यूनिट है, और क्वेश्चन अगर आपका ऑफलाइन होता है ना तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी यूनिट से आएगा। सर ऑफलाइन होने वाली है? चांसेस काफी ज्यादा है ऑफलाइन होने की। यह सेमेस्टर के अगला सेमेस्टर इसके भी ठीक है ना, यानी इसका 50-50% चांसेस है कि आपका ऑफलाइन हो सकता है। ओके एनी अदर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? किसी ने मैसेज किया है लास्ट टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट में क्या डिफरेंस है? ओके क्लास टेस्ट जो रहेगा ना आपका, वो आपका 3 यूनिट पे डिपेंड करेगा, टोटल 3 यूनिट उसमें रहेगी, और जो यूनिट टेस्ट रहेगा वो सिंगल यूनिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सिंगल यूनिट मतलब जैसे थर्ड यूनिट का जो भी कल जो टेस्ट होगा, मैं थर्ड यूनिट से लेने वाला हूँ, तो वो थर्ड यूनिट से ही रहेगा, लेकिन जो क्लास टेस्ट 1 रहेगा वो आपका 3 यूनिट पे डिपेंड करेगा, जो कि आपका फिनिश होगा, मींस सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर दी सोम, सोम के लिए। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके ठीक है, अभी आप लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।